क्या आपको ये देखना चाहिए वैक्सीनेशन के समय कि जिस व्यक्ति को आप वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं हैं, इस पर कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये वैज्ञानिक कम्युनिटी में भी और देशों के बीच भी चर्चा का विषय है। देर इज ए इनहेरेंट इशू ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी विच मे हैव नथिंग टू डू विद एडवर्स इवेंट्स। देर इज ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच मे फील दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ वैक्सीन। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। सो इफ वी आर एबल टू वैक्सीनेट अ क्रिटिकल मास ऑफ पीपल एंड ब्रेक दैट वायरस ट्रांसमिशन देन वी मे नॉट हैव टू वैक्सीनेट द एंटायर पॉपुलेशन। किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने वाले किसी भी वॉलंटियर को सबसे पहले एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं। उस प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म में ये बताया जाता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल में आप भाग ले रहे हैं उसमें भाग लेने में कुछ एडवर्स इवेंट्स होने की संभावना है, वो एडवर्स इवेंट इस प्रकार के हो सकते हैं, यदि आप सहमत हों तो आप हस्ताक्षर करें और क्लिनिकल ट्रायल में भाग लें। दिस इज फैक्ट नंबर वन विच मोस्ट ऑफ अस चूज टू ओवरलुक, इसलिए मैंने ये आपके समक्ष रख दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि ये जो ट्रायल होते हैं वैक्सीन्स के या दवाओं के, ये मल्टी साइट मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होते हैं, यानी ये अनेकों अस्पतालों में किए जाते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको मेडिकल केयर में वैक्सीनेशन दी जाती है और इनको मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सो द क्लिनिकल ट्रायल्स आर मल्टी सेंट्रिक मल्टी साइट। प्रत्येक सेंटर में या प्रत्येक साइट में एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है। ये जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी है ये वैक्सीन निर्माता से स्वतंत्र है, ये सरकार से भी स्वतंत्र है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी उस अस्पताल की है या उस साइट की है या उस सेंटर की है जहां ये क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। जब भी क्लिनिकल ट्रायल में कोई एडवर्स इवेंट होता है तो ये एथिक्स कमेटी भी उसको देखती है और उस पर अपना मंतव्य व्यक्त करती है और उस एडवर्स इवेंट की सूचना अपने मंतव्य के साथ देश के रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को 30 दिन के भीतर देने का प्रावधान है। तीसरी जो बड़ी व्यवस्था है, दो व्यवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया, तीसरी व्यवस्था है डेटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड की। ये जो बोर्ड होते हैं ये वैक्सीन निर्माताओं से स्वतंत्र होते हैं, ये सरकार से भी स्वतंत्र होते हैं, इसमें डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट होते हैं और इनका काम होता है कि ये सरकार को इनका काम होता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल पर नज़र रखें और इस प्रकार के कोई एडवर्स इवेंट जो होते हैं उसकी निगरानी करें, और अगर इनको लगता है कि उस एडवर्स इवेंट के आलोक में क्लिनिकल ट्रायल में कुछ देर के लिए उसको रोकना चाहिए या कुछ और कार्रवाई करनी चाहिए तो ये उसकी रिकमेंडेशन भी देते हैं। तो मैंने तीन व्यवस्थाओं के बारे में आपको बता दिया। अब जो चौथी व्यवस्था है जिसके बारे में हमारे मीडिया के मित्रों को सामान्यतः नहीं मालूम रहता है, वो भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, वो है कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के तहत बनाई गई व्यवस्था में होते हैं। द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स इन द कंट्री इज प्रोवाइडेड बाय न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। दीज रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये रूल ये कहते हैं कि जब भी कोई एडवर्स इवेंट होगा तो एक फॉर्म 5 है, उस फॉर्म 5 में जो चीफ इन्वेस्टिगेटर या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, प्रत्येक क्लिनिकल ट्रायल में एक साइंटिस्ट होते हैं जिनको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है, तो ये जवाबदेही प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की होगी कि वो फॉर्म 5 में एक रिपोर्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को दें।
तो ये चौथी व्यवस्था है। पांचवी व्यवस्था ये है कि जब इस प्रकार की रिपोर्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में आती है तो वो उसका अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है, ये जो फॉर्म 5 की रिपोर्ट है उसमें भी जो डाटा सेफ्टी और मॉनिटरिंग बोर्ड है वो भी इसको देखता है और जो एथिक्स कमेटी है वो भी देखती है कि एडवर्स इवेंट में और वैक्सीनेशन में इज देयर अ 1-to-1 कोरिलेशन। क्या ये एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुआ कि किसी अन्य वजह से हुआ। तो जब इस प्रकार के निष्कर्ष और मंतव्य ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को इन विभिन्न स्रोतों से मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताए, तो उसके आधार पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल किसी भी वैक्सीन के ट्रायल को अगले फेज में जाने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो ड्रग के जो वैक्सीन ट्रायल हैं वो क्लब्ड फेज 3 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी उन्हें फेज 3 की अनुमति दी गई है इन सब कागजातों के विश्लेषण के बाद। इसी प्रकार से भारत बायोटेक के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो भी फेज 3 में जा चुके हैं, यानी उन्हें भी इन कागजातों के विश्लेषण के बाद फेज 3 में जाने की अनुमति दी गई है। तो ये तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता था। दीज आर फैक्ट्स विच मस्ट नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ वाइल एनालाइजिंग एनी सच न्यूज ऑफ एडवर्स इवेंट्स। जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर वी के पॉल मेंबर नीति आयोग करते हैं, उसके मैंडेट में एक मैंडेट ये भी है और इसके बारे में विश्व के अनेक देश सोच रहे हैं कि क्या आपको ये देखना चाहिए वैक्सीनेशन के समय कि जिस व्यक्ति को आप वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं हैं। इस पर कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये वैज्ञानिक कम्युनिटी में भी और देशों के बीच भी चर्चा का विषय है। There are two issues linked in this. One is that if someone has antibodies and if you give the vaccine, can he develop any vaccine-associated adverse reaction? That is the first issue. The second issue is that if we measure the antibodies, then can we avoid giving the vaccine to that patient and therefore we can we spare our vaccines? So these are the two important issues. Regarding the first one, vaccine-associated adverse reactions, there is enough data to show that that does not happen. However, there are discussions still going on internationally. The WHO has clearly stated in all its solidarity vaccine trials also that we do not need to measure the antibodies or even find out if that person has had the COVID or not. We can go ahead and give it. That is what is in the mandate of the WHO at the moment. 26. देखिए, जिस तरह का हमारा संविधान है उसमें टेस्ट के रेट निर्धारण करना या अस्पताल में बेड्स के रेट निर्धारण करना ये केंद्रीय सरकार की कामों में या अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को ये परामर्श जरूर देती है कि एक रैशनल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन दरों का निर्धारण होना चाहिए। पिछले सप्ताह ही जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने सभी राज्यों को एक लिखित दिशा निर्देश भेजे थे और ये कहा था कि ये उचित होगा यदि आप राज्य के स्तर पर एक छोटा एक्सपर्ट ग्रुप बनाएं जो कि मार्केट का अध्ययन करे, ये देखे कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रेट ऑफ टेस्टिंग किट्स हैव रिड्यूस्ड और उस आधार पर आप अपने राज्य के लिए टेस्टिंग के दर निर्धारण करें। राज्यों ने अलग अलग दर निर्धारित किए हैं और अलग अलग तरीके उस दर निर्धारण करने के अपनाए हैं। भार्गव साहब कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सी, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट व्हेन वी स्टार्टेड टेस्टिंग द फर्स्ट केस वाज टेस्टेड इन
January, 27th of January. After that, in March and April, the cases started growing tremendously, and we had to import all those kits. So it was a what we call as a supplier's market at that point in time. Gradually, what happened with the intervention of the government and the Ministry of Science and Technology and startups and the Department of Biotechnology, DST, CSIR, ICMR, they all had certain kits which were made indigenously, locally, and today as we speak, we have validated more than 1100 kits. And these, and once Indian kits were certified and found very good, we have found that there was enough competition not only with the international players, but also within themselves, and the prices came crashing down for these kits. So if you look at March, April, the cost of RT-PCR kit was about 1200 rupees, and about 300 rupees was for the VTM, and 180 for the RNA. So about 1700-1800 rupees at that point in time was the cost in March, April. Now this has come crashing down to now 75 rupees for the RT-PCR kit, and 37 and 25 rupees respectively for RNA kits and the VTMs, etc. There are other techniques also which have come where we don't need to do a VTM as well, and a dry swab technique can also be done as being also being propagated. So the cost has come dramatically down. India has started exporting these kits now, and so it has now become the demand is much, much less than the supply. So therefore, the cost has come down. सामान्यतः वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में 8 से 10 साल लगते हैं. अभी तक के इतिहास में जिन वैक्सीन्स को कहा जाता था कि ये तुरंत बन गए, वो तुरंत भी 4 साल में बनते थे. यानी फ्रॉम R&D टू प्री क्लिनिकल ट्रायल्स टू फेज 1, फेज 2, फेज 3 यूज टू टेक 4 ईयर्स, एंड everyone ग्लोबली यूज टू हेल दैट सक्सेस by saying that such a quick rollout of vaccine. But given the size and the impact of the pandemic, we are trying to crash that timeline of 8 to 10 years or at best 4 years into 16 months, 18 months. And not only one, but multiple vaccine players within the country and outside the country are trying to bring about their vaccines within this compressed timeline. So when you have this context, then there is a potentiality that commercial interests would dictate certain strategic actions on part of commercial entities. Governments of the day have nothing to do with it. However, the responsibility of the government is that we must educate the people, because it is the people who would eventually receive the vaccine. So the responsibility of the union government and the state government is to ensure that people are made aware about the safety aspects of vaccine, about the effectiveness of vaccine, and all disinformation is countered promptly. When I say this, I must also tell you that this is not only the sole responsibility of union government and state government, this is also the responsibility of the media, of NGOs, of vaccine manufacturers. They must collectively come together and try to counter misinformation. They must collectively educate people about the safety aspects of vaccine and about the effectiveness aspect of vaccines. There is an inherent issue of vaccine hesitancy, which may have nothing to do with adverse events. There is a section of population which may feel that they do not require a vaccine. So therefore, whenever such a communication or information dissemination exercise is taken up, one of the aim is to tell people what would be the effect of taking the vaccine,
and what would be the benefit to the person as well as to the population at large. So this is something that everyone has to collectively do. Having said that, let me also tell you that there is a detailed guideline that the Union Ministry of Health is preparing and would shortly, maybe in the next week, share with the states. And one of the chapters in that guideline deals with communication addressing the issues of vaccine safety, vaccine sambandhit vishay hote hain. Us par jab hum charcha karte hain to ye behtar hota yadi hum pehle is tarah ki jo tathyatmak jankari hai, factual information, usko hasil kar le, uske baad fir vishleshan kare. To pure desh ke tikakaran ki baat kabhi nahi kahi gayi hai. Yes, I think that's a good question. The question would depend on the efficacy of the vaccine, number one. And obviously there is a range. Someone, it may be effective 60% in someone, 70% in someone else. So efficacy is one issue. The second issue is that our purpose is to break the virus, chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. That is one point. The second point is the role of masks is also vitally important, and that will continue even after the vaccination, because we are not we are starting with a small population at a time, and therefore the mask will be protective and should continue to be used so as to help in breaking the chain of viral transmission. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.